नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम यहाँ बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 10 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा एक आयताकार भूखंड है, जिसमें भूखंड के दोनों किनारों की चौड़ाई के साथ एक अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं, भूखंड का परिमाप क्या है। ठीक है, तो उसने कहा है कि एक भूखंड है तो हमने एक आयताकार भूखंड बना लिया। ठीक है, वह है 10 मीटर उसकी लंबाई है और 7 मीटर उसकी चौड़ाई है। ठीक है, इतना दिया गया तो हमने इस भूखंड को बना लिया। अब वह कह रहा कि जिसमें भूखंड के दोनों किनारों की चौड़ाई के साथ अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। तो चौड़ाई हमारी यह है 7 मीटर, इसके साथ अर्धवृत्त के आकार की दोनों साइड क्यारियां बनी, तो हमने दोनों साइड क्यारियां बना ली। अब हमसे पूछ रहा है कि भूखंड का परिमाप क्या है। तो ये जो चारों ओर की लंबाई है, ये बाहर बाहर की, यह उसने हमसे पूछी है। तो जब हम इसके परिमाप को निकालने जाएंगे तो परिमाप कैसे निकलेगा, यहाँ से लंबाई जुड़ेगी, यहाँ से इस अर्धवृत्त का परिमाप जुड़ेगा, फिर यहाँ से लंबाई जुड़ेगी और फिर यह अर्धवृत्त का परिमाप जुड़ेगा। चौड़ाई का मतलब क्या रहेगा, चौड़ाई अर्धवृत्त की क्या है, व्यास है। तो अर्धवृत्त का व्यास, कितना है, 7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7/2 मीटर और लंबाई यहां पर क्या है, 10 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना है, 7 मीटर। अब हम निकालेंगे भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां से जब यहां तक चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि, की परिधि। फिर यहां से जब यहां तक चलेंगे तो ये क्या कहलाएगी, ये लंबाई कहलाएगी, प्लस फिर यहां से चलेंगे तो यहां तक फिर से अर्धवृत्त का परिमाप हमें लेना पड़ेगा, का परिमाप, और जब यहां से यहां तक आएंगे तो फिर लंबाई लेना पड़ेगी, तो ये लंबाई हमने ले ली। ठीक है, तो बस यहीं पे है बात है कि इसमें चौड़ाई का कोई काम नहीं है, चौड़ाई का काम है हमारा त्रिज्या निकालने के लिए। बाकी यहां से हमने अर्धवृत्त का परिमाप लिया, फिर लंबाई ली, फिर अर्धवृत्त का परिमाप लिया और फिर लंबाई ले ली। अब अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, जब अर्धवृत्त की निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्धवृत्त की परिधि निकल आएगी πr। ठीक है, प्लस लंबाई, लंबाई कितनी है, 10 मीटर, तो 10 हमने रख दिया, फिर से अर्धवृत्त की परिधि आ गई तो ये भी πr होता है और लंबाई 10। πr और πr मिला के कितना हो जाएगा, 2πr, तो 10 और 10 हो जाएगा 20। तो 2π की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, 7/2 + 20, 7 में चल रहा, 7 से 60 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 22 बचेगा, यहाँ से 20 बचेगा, टोटल हो जाएगा 42 मीटर। ठीक है, तो जो भूखंड है उसका परिमाप निकल के कितना आ गया, उसका परिमाप निकल के आ गया 42 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।